हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सुनिता चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसे मसाले की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो आपकी सब्जी, समोसे, कचौड़ी का टेस्ट बढ़ा देगा। जो भी आप सब्जी में मसाला डालते हैं उन मसालों के साथ आप इस मसाला को सिर्फ आधा चम्मच डालेंगे तो यकीन मानिए आपकी सब्जी बहुत ही लाजवाब टेस्टी बनेगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले गैस जला के कढ़ाई को रख दिया गरम होने के लिए। कढ़ाई हमारी गरम हो गई तो गैस को हमने स्लो कर दिया। गरम कढ़ाई में हमने आधा कप साबुत धनिया डाल दिया है। आधा कप से थोड़ा सा कम सौंफ है, तो जितना आप धनिया ले रहे हैं उसे थोड़ा सा कम आपको सौंफ लेना है। 2 चम्मच यहाँ पर हमने कस्तूरी मेथी ले लिया है। तो मसाला डालते समय गैस को आपको स्लो ही रखना है। 1.5 चम्मच मेथी दाना है। तो सारे मसाले आपको नाप के ही लेने हैं। 5 हरी इलायची है। 1 चम्मच खसखस है यानी पॉपी सीड है। तो मसालों को एक बार मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। 20 से 25 करी पत्ता है। करी पत्ता को हमने पानी से धो लिया। अब हम गैस को मीडियम कर देंगे क्योंकि अभी तक हमने गैस को स्लो ही रखा था। मीडियम फ्लेम पे हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। बस मसाला का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को अच्छे से भून लेंगे क्योंकि अगर मसालों में सीलन रहेगी, नमी रहेगी तो आपका मसाला ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाला कलर चेंज हो चुका है। तो गैस को हम स्लो कर देते हैं। मसालों को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जो हम करी पत्ता डाले थे, करी पत्ता को हम क्रश कर रहे हैं। तो करी पत्ता क्रश हो जा रही है। इस मसालों को हमने चला दिया। फिर 1 चम्मच हमने मैंगो ड्राई पाउडर डाल दिया है यानी खटाई पाउडर है। 2 चम्मच रेड चिली पाउडर है। 1 चम्मच भर के यहाँ हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। आधा चम्मच काला नमक है और आधा ही चम्मच हमने यहाँ पे सफ़ेद नमक ले लिया है जो हम सब्जी में यूज करते हैं। नमक डालने से आपके मसाला जल्दी नहीं ख़राब होंगे। तो स्लो फ्लेम पे हमने 1 मिनट के लिए दोबारा फिर मसालों को भून लिया। अब हमने गैस को बंद कर दिया। हल्दी भी 1 मिनट के लिए अच्छे से भुन गई। हल्दी का भी कच्चापन निकल गया है। अब भुने हुए मसालों को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। तो मसालों को ठंडा नहीं करना, भून कर तुरंत आप उसे मिक्सर जार में डाल दीजिए। एकदम बारीक पीस लीजिए। तो यहाँ पर हमने मसालों को अच्छे से एकदम बारीक पीस लिया है। अगर मोटा दरदरा लगे आपके मसाले तो इसे आप छन्नी से छान कर दोबारा फिर पीस लीजिएगा। तो आपको हम इस तरीके से चम्मच में लेकर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मसाले बहुत ही अच्छे से बारीक पीस चुके हैं। अब इन मसालों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे क्योंकि अगर हम तुरंत इसे डिब्बे में रख देंगे तो मसाला जो है ख़राब हो जाएगी। तो मसालों को पीसने के बाद मसालों को इस तरीके से प्लेट में निकाल कर थोड़ा से ठंडा कर लीजिए और थोड़ी देर बाद इसे आप डिब्बे में भर दीजिए। आराम से 1 महीना चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप कोई भी सब्जी बनाइए, चाहे आलू की सब्जी हो, कोई और दूसरी सब्जी हो, जो भी आप मसाला डालते हैं उन मसालों के साथ आप इस मसालों को सिर्फ आधा चम्मच डाल दीजिए। यकीन मानिए आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनेगी। और इन मसालों को बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। मसालों को आपको अच्छे से भून लेना है। मसालों में नमी नहीं रहनी चाहिए। तो मसालों को आप अच्छे से किसी डिब्बे में रख दीजिए जिसका ढक्कन टाइट हो। आराम से आपके मसाले 1 महीने तक चल जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से मसाला बनाने की वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।